हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं टीटीबी टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे हम लोग मशीन्स एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो आज इस वीडियो पे मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है डिफरेंस क्या है सीएनसी एंड सीओटू लेजर कटिंग मशीन के ऊपर, जो कि आप मेरे थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे। तो आज मेरा जो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरा जो इनबॉक्स है वो ओवरफ्लो हो चुका है। काफी सारे मेरे व्यूवर्स मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाइए सीएनसी वुड राउटर के ऊपर एंड लेजर कटिंग मशीन के ऊपर, इन दोनों का डिफरेंसेस क्या है, प्राइस का कैसा डिफरेंस होता है, क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते दोनों मशीन्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आज मेरे जो नए जो बिजनेस करना चाहते हैं, मेरे जो नए फ्रेंड्स हैं, मेरे जो नए व्यूवर्स हैं, तो उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाना चाहता हूं, ताकि उनको एक क्लियर शॉट आइडिया रहे क्या उनको सीएनसी राउटर मशीन लेना चाहिए, क्या उनको लेजर कटिंग मशीन लेना चाहिए। तो आज मेरे पास जो क्लाइंट बेस है जिनका इस तरह का काम कर रहा है, तो जो मेरे सीएनसी वाले कस्टमर्स हैं उनका विजन बहुत क्लियर है कि उनको क्या काम करना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, तो वो राउटर मशीन के लेके काम कर रहा है। आज मेरे जो लेजर कटिंग मशीन के क्लाइंट्स हैं वो भी उनका भी विजन क्लियर है, उनको क्या काम करना है, ठीक है। लेकिन मेरे जो नए कस्टमर्स है जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, इस लाइन पे उतरना चाहते हैं मशीनरीज का, तो उनको एक चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि क्या मशीन है और क्या क्या उनसे प्रोडक्ट बनता है। और YouTube के अंदर आज की डेट में कोई भी ऐसा एक इंडियन यूट्यूबर नहीं है जो फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है कि दोनों मशीन्स के ऊपर। तो आज मैंने फुल अपना 100% ट्राई किया है फ्रेंड्स कि आपके लिए फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आओ कि दोनों मशीन्स का क्या डिफरेंस है, क्या प्राइस डिफरेंस है, कितना एरिया चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं, दोनों मशीन्स का जॉनर्स क्या क्या है। तो बने रहिए इस चैनल पे एंड देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर आपका कोई नॉन पर्सन है जो इस टाइप का बिजनेस करना चाहता है या फिर करने वाला है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहिए इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, सीएनसी एंड सीओटू का डिफरेंस पे हम लोग फिर से आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है वो है सीओटू लेजर कटिंग मशीन एंड राइट साइड में जो आपको दिख रहा है वो है सीएनसी राउटर मशीन। अभी दोनों मशीन्स का अगर हम लोग बात करें तो दोनों मशीन पे साइजिंग का पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो मशीन से ये कैसा कैसा साइजेस में आता है। तो लेजर कटिंग मशीन जो है फ्रेंड्स वो छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक सारे साइजेस में अवेलेबल है। छोटे साइज का अगर मैं बात करूं तो A4 साइज उसका वर्किंग एरिया रहता है, सबसे छोटा वाला जो मशीन होता है उसका वर्किंग एरिया रहता है A4 साइज। उससे जो बड़ा वाला मशीन आता है वो है 16 इंच बाय 16 इंच का वर्किंग एरिया। उसके बड़ा वाला जो आता है वो है 16 बाय 24 का वर्किंग एरिया, ठीक है, 1.5 बाय 2 अगर हम लोग बात करें। उससे बड़ा जो आता है वो आता है आपका 2 फुट बाय 3 फुट का वर्किंग एरिया। उससे बड़ा जो आता है वो है 4 फुट बाय 3 फुट का वर्किंग एरिया। उससे बड़ा जो आता है और लास्ट साइज जो आता है इसमें है 8 फुट बाय 4 फुट का वर्किंग एरिया। तो फ्रेंड्स, लेजर कटिंग मशीन का जो वर्किंग एरिया है इसमें ये भी डिपेंड करता है कि वर्किंग एरिया से डिपेंड करता है आप कितना छोटा साइज का प्रोडक्ट आप इसमें बना सकते हैं। एंड दूसरा बात जो डिपेंड करता है कि इसका ट्यूब का पावर कितना होता है, जो कि मैं आपको आराम से धीरे धीरे करके समझा दूंगा। हालांकि सीएनसी राउटर मशीन्स में साइजेस में 90% जो साइजेस है वो आदमी लोग प्रेफर करते हैं बड़ा साइज लेना, जो इसका स्टैंडर्ड मॉडल है जो सबसे ज्यादा चलता है, हम लोग से भी ज्यादा कस्टमर्स बाई करते हैं, वो है 8 फुट बाय 4 फुट का वर्किंग एरिया वाला सीएनसी वुड राउटर। अगर कोई कस्टमर्स को उससे भी बड़ा मशीन चाहिए, जैसे 5 फुट बाय 8 फुट का भी मशीन आपको मिल जाएगा, 6 फुट बाय 10 फुट का भी मशीन मिल जाएगा, इवन 7 फुट बाय 12 फुट तक का भी मशीन अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करते हैं मशीन्स का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कि लेजर कटिंग मशीन पे कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एंड सीएनसी राउटर पे कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। फिर लेजर कटिंग मशीन जो है वो 90% मशीन सिंगल फेज में ही रन हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा 3 फेज का इलेक्ट्रिसिटी लेने का कोई जरूरत नहीं है। सिंगल फेज का अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी का बात करूं तो आपके घर पे जो बिजली आता है उसी में अगर 4 किलोवाट का आप उसको सप्लाई दे देते हैं तो बड़ा मशीन उसी में चल जाएगा। और अगर आप छोटे साइज के मशीन लेते हैं जैसे कि A4 साइज का मशीन 16 बाय 16, 16 बाय 24, 2 फुट बाय 3 फुट, तो आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आता है 2 किलोवाट, दैट इज मोर देन इनफ CO2 मशीन्स को रन करने के लिए। वही अगर हम लोग बात करें सीएनसी राउटर मशीन्स के बारे में, तो सीएनसी राउटर मशीन्स पे 2 वैरायटी के मशीन्स आते हैं, एक चलता है सिंगल फेज में, दूसरा चलता है 3 फेज में। इलेक्ट्रिसिटी का मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। सिंगल 1 किलोवाट से लेकर 4 किलोवाट तक जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो आता है सिंगल फेज लाइन के अंदर, ठीक है। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है उससे आपके घर पे 2 वायर आएगा, और 3 फेज का जो लाइन आता है उसमें आपको 5 किलोवाट से लेके इसके ऊपर जितना भी किलोवाट जाता है उसको आपको बोलते हैं 3 फेज का लाइन। उसमें आपको इलेक्ट्रिक का जो पोल है उसमें आपको 3 वायर आपके घर पे आता है, उसको हम लोग 3 फेज का बोलते हैं।
तो सीएनसी राउटर मशीन्स के अंदर आपको दो वैरायटी का मशीन्स भी मिल जाएगा, एक है सिंगल फेस वाला मशीन और एक है थ्री फेस वाला मशीन। लेकिन इसमें अगर आप सिंगल फेस वाला मशीन लेते हैं तो इसका जो स्पिंडल का पावर है तो वो आप मैक्सिमम 3.5 किलोवाट या फिर 4.5 किलोवाट का ही स्पिंडल ले सकते हैं, और अगर आप थ्री फेस का मशीन लेते हैं तो वो आप अनकाउंटेबल जितना भी आपको चलाना है, जैसे 6 किलोवाट का भी आपको स्पिंडल चाहिए, ठीक है, तो वो सब भी आप चला सकते हैं। तो डिफरेंस यही है कि सिंगल फेस एंड थ्री फेस दोनों मशीन्स पे सीएनसी रन करता है, लेकिन लेजर कटिंग मशीन जो है 90% लेजर कटिंग मशीन सिंगल फेज में ही रन करता है। अगर हम लोग बात करें इस मशीन के साथ आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, तो इस मशीन के साथ आपको चाहिए एक सर्वो स्टेबिलाइजर। अगर मैं सीएनसी का बात करूं, सर्वो स्टेबिलाइजर जो है वो नॉर्मल कभी भी मत लीजिएगा, उसके साथ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सर्वो स्टेबिलाइजर अगर क्या करता है, अगर आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लक्चुएशंस है वो ज्यादा होता है तो मशीन जो है सर्वो स्टेबिलाइजर वो आपका मशीन के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाने से रोक देता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जैसे उसका मदरबोर्ड हो गया, उसका SMPS पावर सप्लाई वगैरह हो गया, तो खराब होने से बच जाता है। वही बात अगर मैं करूँ लेजर कटिंग मशीन के ऊपर, तो लेजर कटिंग मशीन भी आप सर्वो स्टेबिलाइजर विद आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के साथ चला सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप इसमें लेजर कटिंग मशीन को आप ऑनलाइन UPS के थ्रू से भी चला सकते हैं। सर्वो स्टेबिलाइजर एंड ऑनलाइन UPS का डिफरेंस क्या होता है, ऑनलाइन UPS में सर्वो स्टेबिलाइजर इनबिल्ट होता है, लेकिन उसके अंदर बैटरी का भी या फिर पावर बैकअप का भी ऑप्शन रहता है कि अगर करंट चला जाए तो आपका जो मशीन है वो थोड़ा देर बैकअप दे देगा कि जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो, प्लस आपका जो पावर सप्लाई का जो फ्लक्चुएशन का काम है वो भी आपको ठीक कर देगा आपका जो ऑनलाइन UPS है। और अगर मैं बात करूँ सर्वो स्टेबिलाइजर का, तो वो स्टेबिलाइजर क्या करता है, आपका सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लक्चुएशंस है खाली उसी को बचाता है, आपको कोई भी बैकअप नहीं देता है। तो आप मैंने जैसे अभी इसका डिस्क्रिप्शन दिया तो आपका आइडिया आ गया होगा कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है। तो अगर मैं प्राइसिंग का बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है सर्वो स्टेबिलाइजर का प्राइस सस्ता होता है, ऑनलाइन UPS का जो प्राइस है उसका थोड़ा सा महंगा होता है। ऑनलाइन UPS के साथ आपको बैटरी भी लेना पड़ेगा जो आपको डिपेंड करेगा कि आपको कितना उसका बैकअप चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि लेजर कटिंग मशीन जो है वो कौन से मटेरियल्स के ऊपर काम कर सकता है। तो लेजर कटिंग मशीन बेसिकली दो टाइप का काम करता है, एक होता है कटिंग का और एक होता है एनग्रेविंग का। एनग्रेविंग का मतलब है ऊपर वाला ऐसा एरिया से उसको जला देता है, ठीक है, मैं आपको सारा एग्जांपल दिखा दूंगा। तो अगर मैं लेजर कटिंग का मशीन का मटेरियल का बात करूं तो जो कटिंग कर सकता है वो है एक्रिलिक शीट, ठीक है। एक्रिलिक शीट्स जो है वो आप डिपेंड करता है कितना वाट का आप ट्यूब दे रहे हैं, उसके वाट के अकॉर्डिंग उतना थिकनेस का वो मटेरियल को कटिंग कर देता है। उसके बाद आता है आपका MDF शीट्स, ठीक है, MDF शीट्स भी बहुत इजीली कटिंग हो जाता है लेजर कटिंग मशीन पे। उसके बाद आपका आता है पेपर शीट्स कटिंग हो जाता है, लेदर शीट्स कटिंग हो जाता है, फोम शीट्स, थर्मोकॉल शीट्स, ये सारे जो भी नॉन मेटल प्रोडक्ट्स है जो कि थोड़ा सा लाइट वेट है, थिकनेस थोड़ा सा पतला है, तो सारा जो प्रोडक्ट्स है वो आपका लेजर कटिंग मशीन पे कटिंग हो जाएगा। उसके साथ ही अगर मैं एनग्रेविंग का बात करूं तो आपका मशीन जो है लेजर कटिंग मशीन वो इजीली आपका एनग्रेविंग कर देगा स्टोन के ऊपर, ठीक है, स्टोन या फिर ग्रेनाइट हो गया, पत्थर हो गया, कोई भी चीज के ऊपर वो एनग्रेविंग कर देता है। लेकिन खड्डा जो है वो ज्यादा लेयर तक नहीं होता, खाली ऊपर का एक परत को वो हटा सकता है। आप ज्यादा से ज्यादा मानेंगे तो मोटा मोटी आप मान के चलिए 0.25 mm या मैक्सिमम 0.5 mm लेजर कटिंग मशीन, डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द ट्यूब की कितना वाट का ट्यूब ले रहे हैं, तो वो पत्थर में या फिर ग्रेनाइट में या फिर मार्बल के ऊपर एनग्रेविंग कर देता है। उसके साथ ही अगर आप बात करें तो वो ग्लास के ऊपर भी बहुत अच्छा एनग्रेविंग कर देता है। बहुत जन फ्रेंड्स इसको इचिंग भी बोलता है, बहुत जन इसको एनग्रेविंग भी बोलता है, ठीक है। तो एनग्रेविंग सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला स्टोन के ऊपर कर देता है, ग्लास के ऊपर कर देता है, बैम्बूस के ऊपर कर देता है, वुड के ऊपर कर देता है, ठीक है। उसके बाद माइल्ड बहुत सारे आपका पेन वगैरह रहता है जो डबल कोटेड रहता है उसके ऊपर भी वो एनग्रेविंग कर देता है, लेदर के ऊपर एनग्रेविंग कर देता है। तो ये था हम लोग का CO2 लेजर कटिंग मशीन जो कि अलग अलग पावर के हिसाब से अलग अलग थिकनेस का मटेरियल को कटिंग और एनग्रेविंग कर सकता है। तो अगर मैं CNC का बात करूं फ्रेंड्स, तो CNC में दो टाइप का काम होता है, एक होता है 2D कटिंग मतलब आर पार कटिंग होता है, और एक होता है 3D कार्विंग, जो आप 3D लेयर में जो बनता है उसको हम लोग बोलता है 3D कार्विंग, ठीक है। तो CNC राउटर क्या क्या प्रोडक्ट्स में काम कर सकता है, क्या क्या मटेरियल्स में काम कर सकता है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो CNC राउटर है वो आपको मतलब काम करता है WPC के ऊपर, ठीक है। दूसरा है आपका कोरियन, ठीक है। तीसरा है आपका जैसे HDHMR के नाम पे आता है। फिर चौथा है आपका वुड के ऊपर, वुड में भी बहुत सारा वेरिएशन आता है,
टीक वुड, सेगुन वुड, गमारी वुड, अलग अलग वेरिएशन का वुड जैसे पाइन वुड, तो वो सब में भी आप सीएनसी राउटर से काम कर सकते हैं। फिर इसमें एल्युमिनियम कॉम्पोजिट पैनल जिसको हम लोग एसीपी के नाम से भी बोलते हैं वो भी इसमें कटिंग हो जाता है। फिर इसमें एक्रिलिक शीट्स भी कटिंग हो जाता है, फिर इसमें कोरियन शीट्स भी कटिंग हो जाता है, फिर इसमें प्लाई भी कटिंग हो जाता है, ठीक है। तो सीएनसी एंड सीयूटू का ये डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो में देखना है कि दोनों मशीन का वर्किंग कैसे कैसे अलग अलग मटेरियल्स पे करता है, तो मैं ये वीडियो के लास्ट में मैं अलग अलग क्लिप्स डाल दूंगा कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग मटेरियल पे वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको छोटा से छोटा बारीक इंफॉर्मेशन भी आप कुछ भी मिस ना करो, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है फ्रेंड्स कि मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं सबको मैं इतना जवाब देते रहता हूँ कि ये है, इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया है ताकि आपको ए से लेके जेड तक सारा इन्फॉर्मेशन मिले। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैंने हर एक वीडियो को ऐड कर दूंगा, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो अभी नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अभी हम लोग जैसे बात किए आप लोग को मेटेरियल्स CO2 में क्या क्या मटेरियल्स कटिंग होता है एंड CNC में क्या क्या मटेरियल्स कटिंग होता है, इसके बाद हम लोग अभी आपसे आपको बताते हैं कि CO2 लेजर कटिंग मशीन के ऊपर आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एंड CNC राउटर के ऊपर आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कि CO2 लेजर कटिंग मशीन से आप क्या क्या प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। तो जैसे इसमें एक साइनेज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है। साइनेज इंडस्ट्री में आप जैसे बाहर में देखा होगा ओप्पो वीवो का साइनबोर्ड लगा हुआ रहता है 3D, तो उसको हम लोग बोलते हैं 3D एक्रिलिक साइनबोर्ड जो कि आप लेजर कटिंग मशीन से ही बना सकते हैं। उसके बाद में भी जैसे एसीपी शीट कटिंग के साथ भी आपका जो मशीन नेम प्लेट बनता है साइनबोर्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं 2D नेम प्लेट, ठीक है। उसके बाद में आप नियॉन साइंस बना सकते हैं जो कि आज के डेट में बहुत डिमांडिंग है। अगर आपको नियॉन साइन का वीडियो देखना है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए तो आपको हम लोग नियॉन साइनेज का पूरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भी और भी बहुत सारा वैरायटी का प्रोडक्ट्स है जो कि साइनेज इंडस्ट्री में आपको रेगुलर बेसिस में जरूरत पड़ते रहेगा जो कि आप लेजर कटिंग मशीन से ही बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि गिफ्टिंग इंडस्ट्री का, तो वो बहुत बड़ा एक लार्ज सेगमेंट है गिफ्टिंग इंडस्ट्री, जो आप लेजर कटिंग मशीन आपको लेना ही चाहिए अगर आप गिफ्टिंग इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हो, ठीक है। तो लेजर कटिंग मशीन से आप जिसे बना सकते हैं अलग अलग वैरायटी के वॉल क्लॉक्स लेजर कटिंग मशीन के ऊपर, उसके बाद आप बना सकते हैं फोटो फ्रेम्स लेजर कटिंग मशीन से, उसके बाद आप बना सकते हैं एलईडी का टेबल टॉप, एलईडी जलते रहता है और ऊपर में एक्रिलिक का टेबल टॉप रहता है, बहुत आज के डिमांड में है। उसके बाद में आप वुडन के ऊपर एनग्रेविंग कर सकते हैं, ठीक है। किसी का भी फोटो हो गया कुछ भी हो गया वुडन का प्लैंक्स आता है उसका आप एनग्रेविंग कर सकते हैं। उसके बाद आप नेम प्लेट्स बना सकते हैं अलग अलग वेराइटीज का, एक्रिलिक का हो या फिर MDF का हो, उसका भी अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल के अंदर बहुत सारे हम लोग का नेम प्लेट का भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के ऊपर अलग अलग वेराइटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं जैसे टेबल फ्रेम्स हो गए, ठीक है। फिर उसमें आप जैसे ट्रॉफीज एंड मोमेंटोज हो गया तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं। कस्टमाइज किचन्स का बहुत अच्छा डिमांड है फ्रेंड्स, तो आप उसको भी मतलब हमेशा नॉलेज में रखिएगा। कस्टमाइज किचन्स ये बल्क में भी बिकता है, ठीक है। तो अलग अलग जो कंपनीज है वो किचन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी ओकेशन पे, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। इसमें आईडी कार्ड्स का भी कटिंग हो जाता है, ठीक है। इसमें आप केक टॉपर्स भी बना सकते हैं, अगर कोई कस्टमर से आपको केक टॉपर्स बनवाना है हैप्पी बर्थडे आरुष लिख के, तो आप वो भी बना सकते हैं। इसमें आप इससे मशीन पे आप स्टोन भी एनग्रेविंग कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी मैंने मेरा चैनल पे वीडियो है स्टोन एंग्रेविंग का, वो भी आप नीचे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप अलग अलग वैरायटी के वुडन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो लेजर कटिंग मशीन्स क्या है, ये बेसिकली नॉन मेटल के ऊपर काम करता है, लेकिन बहुत अलग अलग प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट्स आप इससे बना सकते हैं, जस्ट आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन पे हम लोग का इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक देके रखा हुआ है जिसमें हम लोग काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स कभी कभार बनाते हैं, तो उसका हम लोग जो है फोटोज एंड वीडियोज डालते रहते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी आप विजिट कीजिएगा, इसमें आपको बेसिक सा नॉलेज मिलेगा। अगर आप इस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको इस वैरायटी का प्रोडक्ट्स आप लेजर कटिंग मशीन से बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखा कि CO2 लेजर कटिंग मशीन्स पे आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो अभी हम लोग जंप मारते हैं CNC वुड राउटर के ऊपर। इसमें हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं वो मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ। CNC राउटर मशीन्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो बनता है वो है फर्नीचर्स। जी हाँ फ्रेंड, फर्नीचर पे जैसे बेड हो गया, ठीक है, डोर्स हो गया, सोफा हो गया, चेयर्स हो गया, फिर बेड का पाव हो गया, तो सारा जो प्रोडक्ट्स है तो उसमें डिजाइनिंग होता है। पहले क्या करता था, जो नक्काशी है वो हाथ से खुटाई कर करके जो भी कारपेंटर्स लोग हैं, कारपेंटर्स भाई लोग हैं, तो उन लोग करता था, और एक एक जो डिजाइन है उसको बनाने में काफी टाइम लग जाता था। इसके लिए CNC राउटर का इजाद हुआ है। तो CNC राउटर से क्या है, ये सारा जो डिजाइन से आपको कंप्यूटर के अंदर हम लोग आपसे आपको डिजाइन दे देंगे, तो वो डिजाइन को आपको कंप्यूटर में सेट करके प्रोडक्ट को रख देना है। जैसे कि आप कोई भी लकड़ी रख रहे हैं और उसके ऊपर एक बीट लगता है जिसको हम लोग टूल बोलते हैं, तो वो बीट से कुछ नहीं करना है, फुली ऑटोमेटिक होता है, वो कार्विंग कर देता है।
तो इसमें क्या है, एक अगर फॉर एग्जांपल कारपेंटर एक दरवाजा बनाने में 4 से 5 दिन लगाता था, वही जो चीज है सीएनसी राउटर की मदद से आप 2 से 3 घंटा के अंदर एक एक दरवाजा एक एक बेड निकाल सकते हैं। तो 90% जो क्लाइंट्स है जो सीएनसी राउटर आज के डेट में ले रहे हैं वो बेसिकली कंसंट्रेट करते हैं सोफा फर्नीचर्स, जो इस टाइप का फर्नीचर होता है जैसे बेड्स हो गया, तो इस टाइप के फर्नीचर्स के ऊपर। उसके बाद में भी बहुत जन है सीएनसी राउटर यूज करते हैं एसीपी शीट्स काटने के लिए। जी हाँ, फिर एसीपी शीट का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल। इसमें क्या होता है, आपका इंटीरियर इंडस्ट्री पे भी काम आता है, प्लस इसमें साइनेजेस भी कटता है, ठीक है, जिसको हम लोग 2D साइन बोर्ड्स बोलते हैं। तो उसमें भी आप एसीपी शीट को राउटर मशीन से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्रिलिक शीट्स को भी राउटर मशीन से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप कोरियन का भी बहुत अच्छा आज के डेट में डिमांड है मार्केट में, कोरियन से मंदिर बनता है, ठीक है। कोरियन एक मिक्स मटेरियल होता है, उसमें कार्बिंग होता है, पीछे से लाइट आता है, तो वो आपका सीएनसी राउटर पे बहुत एक अच्छा मार्केट आज के डेट में है। उसके बाद आप प्लाई के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लाई का भी बहुत अच्छा मार्केट है। इसमें बेसिकली प्लाई से आदमी लोग आज के डेट में फ्लश डोर्स बना रहे हैं, मेम्ब्रेन डोर्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। उसके बाद में आप MDF या फिर HDHMR का भी मटेरियल टाइप होता है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, प्लस मेरे पास आप अलग वीडियोस में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब में 3D वॉल पैनल्स, वेब पैनल्स बनता है जो कि आप वॉल में लगा सकते हैं। इसमें जाली का भी बहुत अच्छा एक मार्केट है फ्रेंड्स, जाली कटिंग, ठीक है। जाली कटिंग जो है वो आप MDF से भी कर सकते हैं या फिर HDHMR से भी आप कर सकते हैं। जाली कटिंग से क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी रूम का पार्टीशन सब बना सकते हैं, फॉल सीलिंग का ऊपर वाला डिजाइन सब बना सकते हैं, तो सारा जो पार्ट है ये आप CNC राउटर से बना सकते हैं। मैं और एक चीज बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे को एक चीज पूछते हैं कि क्या मैं CNC वुड राउटर मशीन से स्टोन के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, तो इसका आंसर है नो। CNC राउटर 2 वैरायटी का होता है, ठीक है, एक होता है एयर कूल्ड और एक होता है वाटर कूल्ड। वाटर कूल्ड जो स्पिंडल का मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है वाटर कूल्ड स्पिंडल और एक होता है एयर कूल्ड स्पिंडल। तो 95% जो आदमी लोग हैं वो एयर कूल्ड ही प्रेफर करते हैं वुड कटिंग के लिए। और अगर आपको अभी फॉर एग्जांपल स्टोन्स का कटिंग करना है तो उसके लिए 95% यही आपका वाटर कूल्ड ही यूज होता है, ठीक है। तो CNC राउटर भी 2 वैरायटी का आता है, एक आता है 2-in-1 CNC राउटर जिसमें आप वुड भी कटिंग कर सकते हैं एंड स्टोन्स में भी आप कार्विंग कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपका पानी गिरता रहता है, तो वो जब आपको स्टोन का कटिंग करना है तो आप पानी का जो पार्ट है उसको ऑन कर दीजिए, और जब आपको स्टोन का काम नहीं करना है तो आप उसको बंद कर दीजिए, आप वुडन का काम कीजिए। और अलग अलग अगर आप लेना चाहते हैं तो स्टोन्स के लिए अलग राउटर मशीन सी आता है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी का सर्वो मोटर्स लगा हुआ रहता है, जिसमें वाटर कूल टेक्नोलॉजी का आपका स्पिंडल लगा हुआ रहता है, और जिसमें स्टोन्स मतलब जो पानी है वो भी गिरता रहता है, तो उसमें आप कटिंग कर सकते हैं। मेरा बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे को बोलते हैं कि मेरे को 2-in-1 मशीन चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 2-in-1 मशीन से भी काम कर सकते हैं। साइड में हम लोग ट्रे लगा देते हैं SS का, नीचे 2 पानी का पंप रहता है, उसमें से पानी का एक इनलेट और आउटलेट होते रहता है, ठीक है। और अगर आप वुड राउटर का काम कर रहे हैं तो उस जगह पे आपको जो है कोई भी पानी का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वुड का काम कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई भी मशीन का आपको रिक्वायरमेंट हो, आप डायरेक्टली मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। स्टोन राउटर चाहिए या फिर वुड राउटर चाहिए, लेजर कटिंग मशीन चाहिए, ठीक है, जो भी आपको चाहिए मेरे को कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको अच्छा से अच्छा रेट में दे सकता हूँ। हम लोग के कंपनी में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि सर्विस के लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के डेट में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा, हम लोग का फैक्ट्री है आमिंगाव पे नियर नॉर्थ गुवाहाटी, ठीक है, DC ऑफिस के सामने हम लोग का फैक्ट्री है। वहाँ पे हम लोग के पास रेडी स्टॉक राउटर्स रहता है, आपको जैसा राउटर चाहिए हम लोग असेंबल करके आपको दे सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, इसी चैनल पे बने रहिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अभी तक देखा CNC एंड CO2 लेजर कटिंग मशीन का जो आपका डिफरेंशिएशन है, जिसमें हम लोग सबसे पहले आपसे बात किया कि मशीन का साइजेस कैसा कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद में हम आपसे बात किया कि मशीन का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना है। उसके बाद में हम लोग आपसे बात किया कि ये क्या क्या मटेरियल्स के ऊपर काम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकता है, ठीक है। तो अभी तक मेरे को लगता है कि आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि CNC वुड राउटर मशीन एंड CO2 लेजर कटिंग मशीन में क्या क्या डिफरेंशिएशंस हैं। अगर मैं इसका प्राइसिंग का बात करूं फ्रेंड्स कि आपको कितना लागत चाहिए इस मशीन को खरीदने में और आपका बिजनेस सेटअप करने में, तो अगर मैं लेजर कटिंग मशीन का बात करूं जो कि A4 साइजेस का स्टार्टिंग हो जाता है, तो ऑलमोस्ट 50-60-70,000 के अंदर ये वाला आपको मशीन मिल जाएगा। अगर आपको छोटा वर्क करना है, आपको घर से ही छोटा मोटा प्रोडक्ट बनवाना है, केक टॉपर्स हो गया, कुछ छोटा मोटा एंग्रेविंग,
हो गया तो आप छोटा मशीन भी ले सकते हैं। और अगर आपको इंडस्ट्रियल काम करना है, जैसे साइनबोर्ड का काम करना है, बड़ा काम करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप बड़ा वाला ही मशीन लीजिए, लेजर कटिंग मशीन, जो कि 4 फुट बाई 3 फुट का है। उससे बड़ा भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका जरूरत नहीं है तो आप इतना 8 फुट बाई 4 फुट का मशीन लेके आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए बड़ा साइज का मशीन ले। बड़ा साइज का मशीन में क्या होता है, एक तो आपका जो ट्यूब रहता है उसका पावर ज्यादा रहता है। अगर आपका पावर ट्यूब का ज्यादा है तो आप ज्यादा थिकनेस का मटेरियल को कटिंग भी कर सकते हैं और स्टोन वगैरह में भी आप एंग्रेविंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टोन वगैरह जो है बेसिकली अगर आप लेजर कटिंग मशीन पे एंग्रेव कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 100 से 120 वाट का इलेक्ट्रिक रहना ही चाहिए, नहीं तो क्या उसका पावर कम होगा तो उसका रे जो है, जो उसका आग निकलता है, वो उसका लेयर भी कम रहेगा तो खड्डा ज्यादा डेप्थ लेवल तक वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये सब जो कॉन्सेप्चुअल बात है कोई भी नहीं करता, सब कोई मशीन लगे बेचने में लगे हुए हैं, सब कोई मतलब अपना लंबा रेस चला रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं अपने व्यूवर्स को डेप्थ नॉलेज दूँ इस चीज़ का, कि वो बाद में क्या होता है, बहुत जन मशीन तो ले लेते हैं, फिर बोलते हैं ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, फिर जहाँ से लेते हैं उनको वहाँ से उनको प्रॉपर डेमो नहीं मिलता है, ट्रेनिंग नहीं मिलता है, डिज़ाइंस नहीं मिलता है। तो अगर आप हम लोग से मशीन परचेस करते हैं, हम लोग आपको सारा का सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग यूट्यूब में इतना वीडियोस बनाते हैं, हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि सबको इसका बेनिफिट मिले। मेरा जो नॉलेज है वो अगर मैं बांटूंगा तो मेरे को ये लगता है कि ऊपर वाला मेरे को और ज़्यादा देगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को लेकर बैठा नहीं रहना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैंने भी बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से छोटा छोटा नॉलेज, छोटा छोटा एक्सपीरियंस गैदर किया है, तो उसके बाद में ही मैं आप लोगों को इसका जो है सॉल्यूशन देते रहता हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि छोटा वाला अगर आप मशीन लेंगे तो 50-60-70,000 के अंदर आपको आ जाता है, और बड़ा वाला अगर मशीन्स लेंगे तो 3-4 लाख के अंदर आपका फुल खर्चा आने वाला है। ठीक है, और वही बात अगर मैं CNC बोर्ड राउटर का करूं तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए बहुत जन है कि बोलते 3 लाख का मशीन है, 4 लाख का मशीन है, 2 लाख का मशीन है, उस चक्कर में मत जाइए। मशीन का जो प्राइस है खाली वो डिपेंड नहीं करता फ्रेंड्स। CNC वुड रॉटर मशीन एक बड़ा साइज का मशीन होता है, इसमें आपको GST भी जरूरी है, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं है कोई ट्रक में आ जाएगा, मतलब सॉरी कोई टेम्पो में आ जाएगा, कोई ठेला में आ जाएगा, इसके लिए आपको 1109 बड़ा ट्रक चाहिए होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन का भी आपको कॉस्ट ऐड करना है, सर्वो स्टेबिलाइजर का भी कॉस्ट आपको ऐड करना है, GST का भी प्राइस आपको ऐड करना है, और मशीन का प्राइस भी आपको ऐड करना है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं और आपको हैवी ड्यूटी मशीन में जाना है, ठीक है, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे हैं तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए से 5.5 लाख रुपए तक अंदर आपको मशीन मिल जाएगा, वो भी इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस के बाद। अगर देखो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो पे आपको ट्राई किया है जितना हो सके छोटा मोटा करके आपको नॉलेज देने का, क्योंकि बट ये जो सेक्टर है बहुत फास्ट सेक्टर है। ठीक है, मैं अगर टोटल वीडियो बनाने जाओ तो वो 10-15 घंटा का भी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉल कीजिए। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहीं से भी हैं, आप अगर आसाम से हैं या फिर मणिपुर से है, मेघालय से है, त्रिपुरा से है, कहीं से भी है, तो आप मेरे को एक बार कॉल कीजिए। मेरे पास सारे मशीन्स रेडी स्टॉक में रहता है, जैसे कि आपको मेरे बाकी वीडियोस में मिल जाएगा। हम लोग कोई भी मशीन दूसरे अलग अलग स्टेट से लाके नहीं बेचते हैं, हम लोग के पास डायरेक्ट हम लोग मशीन स्टॉक करते हैं, हम लोग का खुद का इंजीनियर्स का टीम है, हम लोग डायरेक्टली मशीन इंपोर्ट करते हैं। तो आशा करते हैं आपको जो है हम लोग बहुत अच्छा रेट में मशीन दे पाएंगे। और दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस भी एक टाइम पे सेकेंडरी है फ्रेंड्स। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे बैठे हैं और अगर आप राउटर वगैरह कुछ लेके आते हैं दूसरा स्टेट से, फॉर एग्जांपल गुजरात, हरियाणा, कहीं से भी लेके आते हैं, तो उस जगह पे जब आपका मशीन ब्रेक डाउन होगा तब आपको सर्विस में बहुत ज़्यादा एक इशू हो सकता है, क्योंकि उनका भी गलती नहीं है जो आपका मशीन बेच रहे हैं। क्योंकि आज गुजरात से गुवाहाटी या फिर गुजरात से मणिपुर भेजने में या फिर धुबरी भेजने में जो टाइम एंड खर्चा लगेगा उससे बहुत जल्दी हम लोग कर देंगे, क्योंकि हम लोग लोकल में बैठे हुए हैं। अगर आपको छोटा मोटा बीट्स का भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आप मशीन चला रहे, आपका बीट खत्म हो गया, तो उस जगह पे अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को अगर एक फ़ोन करेंगे, मैं आपको जालुकबारी से या फिर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू से मैं आपको बीट्स लगा दूंगा बस में या फिर टेम्पो सुमो में, तो आपको ओवरनाइट में बीट मिल जाएगा। मतलब या तो आप अगर लोकली रहते हैं तो 3-4 घंटा में मिल जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा दूर में रहते हैं तो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। वही अगर आप गुजरात वगैरह से इंपोर्ट करते हैं या फिर परचेस करते हैं बीट्स वगैरह, तो आपका एक काफ़ी लंबा टाइम चला जाएगा, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो बैठा नहीं रहेगा हर टाइम। तो कोई भी डिसीजन लीजिए आप सोच समझ के लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड प्राइस का। तो प्राइस का एक बार आप मेरे से कांटेक्ट करके देखिए, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मेरे से अच्छा रेट एटलीस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे आपको कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि हम लोग आज के रेट में डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। और अगर आपको और भी वीडियोस का इस टाइप का कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है, कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे हम लोग को जरूर बताइए। और फ्रेंड्स, आप लोग खाली वीडियोस देखते हैं, इसको आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये
बहुत ज़्यादा विनती है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या है, मेरा जो YouTube का फैमिली है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिलता इतना सारा वीडियोस बनाने का, क्योंकि मैं भी बिजनेस में उलझा हुआ रहता हूँ कहीं ना कहीं पे। लेकिन आप लोग के लिए मैं जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेते रहता हूं। आप अभी वीडियो को मतलब वो मत कैंसिल मत कीजिएगा, अभी मैं आपको छोटा छोटा वीडियोस अभी मैं अटैच कर दूंगा, जो कि आपका लेजर कटिंग मशीन्स क्या क्या काम कर रहे हैं, CNC वुड राउटर मशीन्स क्या क्या काम कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है या फिर मेरे को कुछ एडवाइस देना है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन पर दे दीजिए। हो सकता है मेरा वीडियो का वॉइस क्वालिटी खराब है, मेरा बोलने का तरीका खराब हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर XYZ कुछ भी अगर मेरा कुछ भी है तो ओपन है, मैं ओपन हूँ, मेरे को हर दिन सीखना है कुछ ना कुछ, तो आप मेरे को चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन पे बताइए, आई मीन कमेंट सेक्शन पे बताइए, तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली काम करूंगा। इसके बाद में मैं और एक अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, जो कि है छोटा लेजर कटिंग मशीन्स के ऊपर। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारा वीडियो आई मीन जल्दी जल्दी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।